हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आज हम बात करेंगे UPPCL री एग्ज़ाम को लेकर। तो कंप्यूटर का ही आपका है स्पेशल एक क्लास है, जहाँ पर हम विंडोज शॉर्ट की के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में ऐसा हो चुका है। तो इसी एक वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज़ की शॉर्टकट के बारे में, और उसके बाद में इसका जो अगला लेसन दूंगा मैं, अगला वीडियो, उसमें हम बात करेंगे MS ऑफिस की शॉर्टकट बटन के बारे में। तो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको 4 से 5 अंक आसानी से पाने हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में आप मेरा नाम सर्च करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके UPSSSC एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, युवा कल्याण, UPPCL री एग्जाम, UPPSC, SSC बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जो कि फ्री में है। आप उनको देख सकते हैं, जल्दी से डाउनलोड कर लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और वहां पर आप मुझे फॉलो। F2 से क्या होता है, यानी कि चयनित वस्तु का नाम बदलना यानी कि रीनेम कर सकते हैं। F3 से क्या होता है कि फाइल या फोल्डर को खोजना होता है यानी कि सर्च करना होता है। F4 से क्या होता है कि लिस्ट सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना है। F5 क्या होता है कि सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना है। F10 से क्या होता है कि सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार प्रदर्शित करना है। F7 से क्या होता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना। आगे हम बात करेंगे शिफ्ट प्लस F10 से क्या होता है कि चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना। आगे आपका क्या है, अल्ट प्लस F4 से क्या होता है कि सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। कंट्रोल प्लस F4 से क्या होता है कि सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। आगे बात करेंगे शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में बदलना, ठीक है। ESC यानी कि वर्तमान कार्य को समाप्त करना यानी कि कैंसिल करना। आगे क्या है, DEL यानी कि चयनित वस्तु को नष्ट करना यानी कि डिलीट करना। एंड यानी कि सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में पहुंचना एंड होता है। होम क्या होता है आपका, यानी कि सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचना। इंटर क्या होता है, निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलना। टैब क्या होता है, विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे खाने में। F12 से क्या होता है कि सेव एज यानी कि डायलॉग बॉक्स खोलना। विंडोज लोगो प्लस L से क्या होता है कि कंप्यूटर लॉक करना, ठीक है। विंडोज लोगो प्लस M से क्या होता है कि सभी विंडो को मिनिमाइज करना। विंडोज लोगो से क्या होता है कि स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना या छुपाना। कंट्रोल प्लस ESC क्या होता है, यानी कि स्टार्ट मेनू खोलना। आगे बात करेंगे अल्ट प्लस टैब्स क्या होता है कि दूसरे प्रोग्राम में जाना। अल्ट प्लस एंटर क्या होता है कि चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना। शिफ्ट प्लस डिल क्या होता है कि रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करना, शिफ्ट प्लस डिलीट। आगे बात करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ESC क्या होता है कि विंडोज टास्क मैनेजर खोलना। तो दोस्तों, ये था पूरा आपका जो है शॉर्टकट की, किसका, विंडोज की शॉर्टकट की है। यहाँ से आपको पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को आराम से मिलेगा। अभी आपके जो प्रीवियस पेपर हुए थे फरवरी में, वहाँ पर किसी किसी पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन तक जो है शॉर्टकट की से पूछे गए थे। तो ये आपका विंडोज का शॉर्टकट की है। आगे हम बात करेंगे MS ऑफिस का शॉर्टकट कीज के बारे में। तो दोनों को मिला के अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आप यहाँ पर 5 से 7 नंबर पा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपकी 100% जो है मिनिमम 4 से 5, और मैक्सिमम जो है दोस्तों आपके जो है 7 से 8 या 8 से 9 तक क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं UPPCL के एग्जाम्स में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा लेसन पसंद आया होगा। पार्ट 2 में हम बात कर लेंगे MS ऑफिस शॉर्टकट की के बारे में।